ऑल राइट, तो है वेलकम इट्स गाइस, कैसे आप सबको स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग में। तो आ चुका है भाई, आ चुका है इंदौर में हल्दीराम, आ चुका है जो कि फोनोनिक्स मॉल में आया है। मतलब काफ़ी टाइम से वेट था इसका कि भाई हल्दीराम आएगा आएगा आएगा, लेकिन काफ़ी टाइम बाद आया। तो गाइस यहाँ की जो राज कचौड़ी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसको हम करने वाले इस बार टेस्ट, और उसकी मेकिंग देखेंगे कैसी होने वाली है। तो गाइस चलें मेकिंग। यहाँ पर बनने जा रही है हमारी राज कचौड़ी, और ये सबसे पहले बेस बनाया है दही का, ये दही आ चुका है यहाँ पर, ये हमारी राज कचौड़ी आई है। भाई कितनी बड़ी कचौड़ी है भाई, यहाँ पे डालेंगे हम तीन पापड़ी। ये नॉर्मल पापड़ी है, कैसे बनती है? ये हमारा सबका मैगिंग है, जो हमारा नागपुर बेस किचन है, हमारी सब कुछ नागपुर से प्रोडक्शन। अच्छा, सारी चीज़ आपकी नागपुर से आएगी। ये हमारी ग्रीन चटनी आ गई है, हमारी अमची चटनी, इसके बाद हमारे आलू मसाला है, और ये सर हमारा दाल चना मोर, दाल चना, उसके ऊपर हमारा चाट मसाला आ गया, दोबारा ग्रीन चटनी जाएगी, ये जो दही रहेगा ये मीठा वाला दही रहता है, गोटा दही रहता है सर, मीठा रहता है। अच्छा ये मीठा रहता है, मीठा रहता है ये ऊपर कटोरी, क्या मतलब पकौड़ी है सर? अच्छा पकौड़ी है। अच्छा इसके ऊपर से भी दही आएगा? और यस सर, भाई फुल्ली लोडेड है, ऑलमोस्ट जो हमारा राज कचौड़ी का वेट होता है ऑलमोस्ट हमारा 400 ग्राम के आसपास हमारा वेट होता है एक राज कचौड़ी का, 400 ग्राम के आसपास वेट। ओ भाई साहब बहुत ज़्यादा वेट होने वाला है भाई, इसलिए इसका नाम है शाही राज कचौड़ी हल्दीराम। इसके ऊपर हम सेव डालेंगे, इसके ऊपर मसाला बूंदी, इसके ऊपर हम कैरेट गार्निश के लिए, बीटरूट एंड पोमीग्रेनेट अनार। राज कचौड़ी हमारी रेडी हो गई है, ये रेडी हो गई है। यस सर, जल्दी से करते हैं इसको टेस्ट और देखते हैं भाई राज कचौड़ी कैसी होने वाली है। भाई यहाँ पे आ चुकी है भाई राज कचौड़ी, जल्दी से करते हैं टेस्ट उसको, मेरा तो मुंह में ही पानी आ रहा है। तो वही चलते हैं, पर आ चुकी है हमारी राज कचौड़ी, जो कि हल्दीराम की काफ़ी ज़्यादा फेमस कचौड़ी है। पूरे मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा हल्दीराम का नाम चलता है ना, तो सिर्फ राज कचौड़ी के नाम से चलता है। जल्दी से इसको करते हैं टेस्ट, के इंदौर के हल्दीराम का टेस्ट कैसा होने वाला है। भाई काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है, आवाज़ आ रही है, भाई अलग ही लेवल टेस्ट है, मैं तो एक और वाइट खाऊंगा। एक वाइट में क्या, मेरे जो अंदर का मसाला था ना वो पूरा नहीं आया था, इस वाइट में आ गया। भाई जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। जो राज कचौड़ी मतलब ओरिजिनल राज कचौड़ी होती ना, वो सिर्फ यही वाली है। तो भाई इसकी वेट की अगर बात करें ना, तो अराउंड 400 ग्राम्स होगा, और इसकी जो प्राइस है वो 160 अराउंड है। और प्राइस क्या थोड़ी बढ़ती और कम होती रहती है, क्योंकि हल्दीराम के जो मतलब बाहर के स्टोर हैं उनके हिसाब से चलती है, अपने हिसाब से चलता है ये, कि मेरे को पता नहीं कैसे होती है, लेकिन कभी कभार बढ़ जाती है कभी कभार कम हो जाती है। वैस मेरे को तो अभी ये 160 की बड़ी, भाई मैं तो एंजॉय करने वाला हूँ। अगर आप एंजॉय करने चाहते हो, इंदौर में रहते हो, तो वैसे ज़रूर आना फोनोनिक्स मॉल में, फूड कॉर्नर में, सबसे लास्ट में हल्दीराम पड़ता है। वैस एक बार आना ज़रूर, मैं तो जल्दी भाई खाने वाला हूँ।